तो आज मैं आपके लिए लेके आई मज़ेदार सी चटपटी थी धनिए आम और लहसुन की बढ़िया सी चटनी की रेसिपी। खाने में बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी, एक बार इस तरह से इसे ज़रूर ट्राई करें। तो आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं इसे। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दो मुट्ठी धनिए को ले लिया, एक आम भी को ले लिया, बीज अलग कर लिया, हरी मिर्च, नींबू और लहसुन की कलियों को ले लिया है। लहसुन को यहाँ पर अच्छी क्वांटिटी में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले धनिया को अच्छे से धोकर मिक्सी के जार में डाल देंगे। तो सारे धनिया को यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने लहसुन की कलियों को डाल दिया। तो यहाँ पर मैंने पूरी गड्ढी को लिया था लहसुन की, एक हरी मिर्च जिसे तोड़ कर डाल दिया है और आम के इस तरह से टुकड़े करके डाल देंगे। आधा चम्मच नमक को डाल देंगे और आधा चम्मच ही भुने हुए जीरे को डाल देंगे। जीरे को यहाँ पर भून के लेंगे, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। एक चौथाई चम्मच काला नमक ऐड किया है। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाला है और आधा नींबू का रस ऐड करेंगे। नींबू के रस से भी ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो नींबू का रस को भी यहाँ पर अच्छे से निचोड़ लिया। अब ढक्कन लगाकर इसे मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे और हमें इसे बिल्कुल बारीक पीसना है। तो ये देखिए चटनी जो है पीसकर तैयार होगी। मैं आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो ये देखिए कितनी स्मूथ और बढ़िया इसका कलर आया है। तो आप इसे रोटी, पराठे, पूड़ी किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। और कभी कभी क्या होता है कि हमारा सब्ज़ी खाने का मन नहीं होता, तो आप इसे पूड़ी पराठे के साथ ऐसे भी खा सकते हैं। इससे भी पूड़ी पराठे बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो एक बार इस चटनी की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करो, इस तरह से बनाकर ज़रूर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा भी पसंद आई तो मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। और कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं फिर से एक और इस तरह की नई रेसिपी लाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।